Hello students, today in this class we will discuss a new chapter, that is polynomial. And this chapter is very very important for class 9th, 10th and for NTSC. But today in this class we will discuss this chapter according to class 10th with the latest pattern, that is MCQ based. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मेन चीज़ क्या है, बेस, कि चैप्टर का बेस क्या है. बेस करने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे MCQ. ओके सो लेट्स स्टार्ट. Here we have a new chapter, that is polynomial. तो इसके नाम से ही क्लियर है बेटा, polynomial. Polynomial को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद. बहुपद, बहु means many. English में many. कुल मिला के जो पॉली है, पॉली वर्ल्ड, इसका मीनिंग होगा मैनी. मैनी मीन्स काफी ज्यादा, एक नहीं है, काफी ज्यादा. देन नॉमियल, नॉमियल मीन्स टर्म. नॉमियल मीन्स टर्म. एंड यहां पे लिखा है नॉमियल्स, सो दिस मीन्स टर्म्स. मीन्स टर्म एक नहीं होगी, टर्म्स काफी ज्यादा टर्म. सो बेटा कुल मिला के पॉलीनोमियल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स मैनी टर्म्स. इट मीन्स मैनी टर्म्स, मतलब क्या हुआ कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर काफी ज्यादा टर्म्स हो, काफी ज्यादा टर्म्स हो, उसे हम बोलेंगे पॉलीनोमियल्स. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट करता हूं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1. दिस इज द पॉलीनोमियल, क्योंकि यहां पे टर्म्स कितनी है, 1, 2, टू टर्म्स कितनी है, 2 टर्म. एंड हियर नंबर 2 एंड 1, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट. एंड एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स क्या है, वेरिएबल. आपने देखना क्या है, जब भी आप पॉलीनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं क्लास 10th की बात करूंगा, सबसे पहले जो आपके पास आएगा दैट इज अ लीनियर पॉलीनोमियल. लीनियर पॉलीनोमियल ऐसा पॉलीनोमियल होगा जिसमें कि एक्स की हाईएस्ट पावर या बोलेंगे डिग्री वो 1 होगी. क्या होगी, 1. आप यहां भी इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि मेरे पास यहां पे एक्स की पावर क्या है, 1. सो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल. क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल. नेक्स्ट उसके बाद है बेटा, अगर मैं यहां लिखूं पी ऑफ एक्स इक्वल टू लाइक दिस 2x² + x + 1, तो यहां पे आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, सेम चीज कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसे बोलेंगे डिग्री. क्या बोलेंगे, डिग्री. तो यहां पे आप देख सकते हो
कि यहाँ जो x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो इस बार का सिलेबस है उसमें सिर्फ क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, बिकॉज इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है। आप देख सकते हो कि व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां लिखूं एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज यहां पे जो डिग्री है वो क्या है, 3। डिग्री मीन्स एक्स की हाईएस्ट पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो यहां वो क्या है, 3। तो बेटा इससे बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि इस बार 10th क्लास से कर चुका है, ये आपने नहीं करना है। ओके, तो सिंपली आपने ये दो चीजें जो कि है सिलेबस के अंदर यहां पे ही ज्यादा ध्यान देना है। एक तो है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक चीज और है वो भी देखें बेटा, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल लाइक दिस, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अगर इस साइड कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट नंबर, तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि भाई इसकी डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 0। सिंपल बात, अगर कोई भी नंबर हो कांस्टेंट, सिर्फ 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस। 0 को छोड़ के अगर हम कोई भी नंबर लिखें, कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसकी डिग्री 0 होगी। क्या होगी? 0, लाइक दिस, बिकॉज एक्स रेज टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, सो दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो तो इसे बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, नोट करना, यही एक मेन क्वेश्चन है। क्योंकि इस बार एमसीक्यू आएंगे तो एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। और अगर ऐसे बोला जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, तो आप क्या बोलोगे? 0। क्या बोलोगे? 0। और अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, सो दैट इज 1, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलोगे? 2। अब बेटा अगली बात करेंगे, अगली बात ये है कि जो डिग्री है
जो डिग्री है वो नंबर सिस्टम में कैसी होगी? इज इट नेचुरल नंबर, इज इट होल नंबर, इज इट इंटीजर्स? तो आपने सिंपल याद रखना है कि जब भी आप डिग्री की बात करोगे तो डिग्री कैन बी जीरो, कैन बी वन, कैन बी टू, कैन बी एनी होल नंबर, कैन बी होल नंबर, तो आप क्या बोलोगे? होल नंबर। क्या बोलोगे? होल नंबर। अगर पॉलिनोमियल कांस्टेंट हुआ तो डिग्री जीरो, बट जीरो को छोड़ के। ओके बेटा, अगर हम कांस्टेंट की बात ना करें, हम स्टार्ट करें लीनियर से, कहां से? लीनियर से, तो डिग्री हमेशा क्या होगी? नेचुरल नंबर। ध्यान रखना सिंपल सी बात, मेन चीज क्या है कि जब भी हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल में जो आपका मेन वेरिएबल होगा, मान लो एक्स है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहां पे जो एक्स की पावर्स होएंगी वो ना तो नेगेटिव में होगी ना फ्रैक्शन में। एक्स की जो पावर होएंगी साइड वो ना तो नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शन में, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे वन टू थ्री। तो आप क्या बोलोगे कि जो पावर्स होएंगी वो क्या होंगी? होल नंबर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, लाइक दिस होल नंबर। बोले इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इतना काम हो गया है, अब बात करेंगे ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर, ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर, क्योंकि आपको एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा जो ग्राफ के ऊपर होगा। ओके, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। याद रखना, अगर आप आपके पास इस टाइम नोटबुक है तो प्लीज नोट करिए। देखें, अगर हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है लाइक दिस, तो उसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, और मेन चीज, यहां जो एक्स के साथ में कोफिशिएंट है, दिस विल बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर कोफिशिएंट जीरो हो जाए ना तो ये क्या बनेगा? नॉट लीनियर, देन इट विल बिकम ओनली कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कौन से वाला? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नोट करें, और ग्राफ पे चेक कैसे करेंगे? आपने ग्राफ पे देखना है कि जो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे, बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? वन, ओनली वन। वन बोल दो या बोल दो यूनिक, एक ही बात है। बोले क्लियर? उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या है, मान लें ये मेरे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहां भी सेम चीज है कि ए जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हुआ तो ये पॉलिनोमियल क्या बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो सेम यहां भी है कि यहां कभी भी ए जीरो नहीं होगा, ए विल बी नॉन जीरो। एंड ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स। अब इसके जब ग्राफ की बात करेंगे, नोट करना,
कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका ग्राफ लाइक दिस, इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। सिर्फ आपने इन शेप्स को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ग्राफ किसका है। अगर इनमें से कोई भी शेप दिखे तो आप क्या बोलोगे कि दिस ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। दूसरी बात, जो इसके रूट्स बनेंगे मींस जीरो, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। देखें ग्राफ पे आप देखोगे कि अगर इसका ग्राफ मींस पैराबोला टच ना करे किसको, एक्स एक्सिस को, बिकॉज यहां मेरे पास मेन वेरिएबल क्या है, एक्स। तो क्या देखना है कि अगर ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करे और ना ही कट करे मींस इंटरसेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे, नो जीरो, नो जीरो, या सिंपल भाषा में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आगे चल के एक चैप्टर फोर्थ आएगा, उसमें ये वाला चैप्टर आपको और समझ आएगा फोर्थ में। और जो फोर्थ चैप्टर है वो इसके बिना कुछ भी नहीं है, अधूरा है। ये करके जाओगे ना तभी आपको फोर्थ में अच्छे वाली फील आएगी। ओके, तो यहां बोलेंगे नो जीरो, और अगर ये पैराबोला टच कर जाए ऐसे लाइक दिस तो क्या बोलेंगे, ओनली वन जीरो। आएंगे तो टू बट दोनों सेम होंगे तभी हम उनको वन बोलेंगे, ओनली वन जीरो। क्लियर। देन अगर ये पैराबोला इंटरसेप्ट करे लाइक दिस तो क्या बोलेंगे, टू जीरो। देखें वन टू, क्योंकि इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे करा है इंटरसेक्ट, तो क्या बोलेंगे, टू जीरो। तो सिंपल से शब्दों में कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो उसके जीरोस होंगे वो क्या होंगे, या तो जीरो या वन या टू। ओके, तो ये था बेसिक्स। उसके बाद है जब हम जीरोस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जीरोस की, तो सिंपल देखेंगे पावर, पावर टू है तो हमारे पास दो ही जीरोस आएंगे मींस टू रूट्स। एक को बोलेंगे एक्स इक्वल टू अल्फा, दूसरे को एक्स इक्वल टू बीटा। और यहां पे एक सिंपल रिजल्ट है, दैट इज सम ऑफ जीरो लाइक दिस मींस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, दिस इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। ये बी क्या चीज है, बी है बेटा एक्स का कोफिशियंट, गिवन पॉलिनोमियल में जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है हम उसी को ही बी बोलेंगे, साइन लगाएंगे नेगेटिव का। तो ये वाला जो फॉर्मूला है काफी काम आएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा। जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है प्योरली कांस्टेंट, बिकॉज यहां पे साथ में मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है, सी अपॉन ए। ओके, अगर दो रूट्स का या ऐसे बोले दो जीरो का प्रोडक्ट इसकी बात हो तो आप क्या बोलोगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दोनों के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो।
ये तो नोट करो माइंड में, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके ऊपर बेस्ड। और सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर सकते हैं इस बार, बट हम क्यूबिक की बात नहीं करेंगे बिकॉज वो सिलेबस से कट चुका है। तो उसके बाद यहां पे एक सिंपल आइडेंटिटी है जो कि आपने पढ़ी है बचपन में, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू, वो क्या पूछेगा, अगर उसने ये पूछा आपसे कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये निकालो, तो बच्चा टोटली होगा कंफ्यूज्ड, पर उसको ये नहीं पता होगा कि इसके बिना ये सॉल्व नहीं होगा। अब देखें, अगर ये चीज एग्जाम में पूछी हो, ये चीज इसको फाइंड करो, तो बेटा इसको निकालना कहां से है, ये देखें, इसको यहां से निकालेंगे इस आइडेंटिटी में से। आप देखो क्या पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये जो टू अल्फा बीटा है इसको यहां लेके आएंगे। यहां पे क्या है, ये प्लस में, जब इसको यहां लेके आया तो ये क्या बना, टू अल्फा बीटा माइनस का, तो इस साइड क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका काफी ज्यादा यूज है इस बार, ध्यान रखना, यहां से तो क्वेश्चन पक्का है, बनेगा ही बनेगा। ओके, वो ये चीज पूछेगा आपसे, तो इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। एंड नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग व्हाट सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, तो आज हम पार्ट वन में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे बेटा पार्ट टू में। तो आज आपने करना क्या है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, देन हम पार्ट नंबर टू में सॉल्व करेंगे एमसीक्यू जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, और बेस में इतना ही है इस बार, इससे ज्यादा नहीं है, आपने यही करना है। ओके, जो आपके मेन कॉन्सेप्ट है। तो बेटा तब तक के लिए बाय।